हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 5 मई 2023 और 5 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत में मई 2023 में किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, कुवैत। भारत कुवैत ने विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया 2 मई 2023 को। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की। पांचवा, भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श मई 2023 में आयोजित किया गया था। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों के विपक्षी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का व्यापक समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया। अब बात है कुवैत की, ठीक है ना। तो कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अहमद नवाज अल अहमद अल सबा है। कुवैत की बात करें तो ये है मैप में कुवैत, ठीक है ना। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी कुवैती दिनार और प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद नवाज अल अहमद अल सबा है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, किसने एडीबी के निर्देशक मंडल 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, निर्मला सीतारमण। ये है निर्मला सीतारमण। एडीबी के निर्देशक मंडल की 56वीं बैठक आम बैठक में मई 2023 में शुरू हुई थी। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो 2 मई 2023 को दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबीए के निदेशक मंडल में 56वीं बैठक वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगी। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण गवर्नर्स बिजनेस जैसे वार्षिक मीटिंग फोकल इवेंट्स में भी भाग लेंगी और एशिया के रिवॉर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए नीतियों पर एडीबी गवर्नेंस सेमिनार में एक पैनलिस्ट के रूप में भी भाग लेंगी। अब क्या है एडीबी, ठीक है ना। तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी इसकी स्थापना, 1966 में। और कब? 1966 में 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट की बात करें तो मसगु असकवा जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली भारतीय एयरटेल ने किस देश के साथ विलय के लिए बद्ध टर्म पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीलंका, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट होगा। श्रीलंका के डायलॉग एक्सियाटा भारत की पहली भारतीय एयरटेल में मई 2023 में अपनी श्रीलंका सहायक कंपनी में विलय के लिए बाध्यकारिक टर्म सीट पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका की शीर्ष मोबाइल दूरसंचार फर्म, सबसे बड़ी दूरसंचार प्रदाता डायलॉग एक्सियाटा और भारत की भारतीय एयरटेल ने अपनी श्रीलंका सहायक कंपनी के विलय के लिए एक बाध्यकारी टर्म सीट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विलय के साथ भारतीय एयरटेल को द्वीप राष्ट्र में एक बड़े ग्राहक आधार पर पहुंच प्राप्त होगी। अब बात है श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, श्री जयवर्धने पुराकोटे और कोलंबो, दो कैपिटल हैं। प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रम सिंघे। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा, इसराइल, ठीक है ना। इसराइल, ये है मैप में इसराइल। भारत इसराइल में मई 2023 में कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इसराइल के कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स और कृषि
हैं। नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय इसराइल के रक्षा मंत्रालय के बीच बहुत क्षेत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात है इसराइल की, तो इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है इसराइल की कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी क्या है? इसराइल न्यू सेकल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या रहा है? तो 2023 का विषय क्या रहा है? अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अधिकारों के भविष्य का आकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अन्य सभी मानव अधिकार के संचालक के रूप में है। ये जो है विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या सिर्फ विश्व प्रेस दिवस घोषित किया। यह प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 के तहत निहित अभिव्यक्तियों को स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के लिए सरकारों और उनके कर्तव्य को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में वंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शतरंज, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। ये है वंतिका अग्रवाल, ठीक है ना। वंतिका अग्रवाल मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला बनी है। उन्होंने बुडापेस्ट में अपना तीसरा और अंतिम IM मानदंड हासिल कर लिया है और शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला बन गई हैं। वह अप्रैल 2023 में स्पेन में मोनार्का ओपन महिला चैंपियन बनी। उन्होंने जनवरी 2023 में कोल्हापुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक और फरवरी 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए स्वर्ण पदक भी जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, 2023 में यूनेस्को गुई लैर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों राइट होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए, तीनों राइट होंगे। ऑप्शन ए नीलोफर हमीदी, इलेही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, ठीक है ना, तीनों राइट होंगे। 3 कैद ईरानी महिला पत्रकारों ने मई 2023 में यूनेस्को गिलमारो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीता है। जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों में प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रमुख पुरस्कार के विजेताओं के रूप में नामित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, किस बैंक के एजेंटों ने भागीदारी को लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, HDFC बैंक, ठीक है ना। तो HDFC बैंक ने मई 2023 में एजेंटों भागीदारी के लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म शुरू किया है। HDFC बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एजेंटों और व्यापार प्रतिनिधियों के लिए सेवाओं की बिक्री को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म पेश किया है। HDFC बैंक स्मार्ट साथी अपने उपयोगकर्ता को एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करता है। नई लॉन्च की गई सुविधा व्यवसाय प्रतिनिधियों और बिजनेस फैसिलिटी को बैंक से जोड़ने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग करेगी। इस प्लेटफॉर्म को राजधानी में वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS के सचिव विवेक जोशी और स्मिता भगत, समूह प्रमुख सरकार और संस्थागत व्यवसाय, वैकल्पिक बैंकिंग चैनल और साझेदारी, समावेशी बैंकिंग समूह और स्टार्टअप HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। अब बात है HDFC बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, अगस्त 1994 में, ठीक है ना, अगस्त 1994 में इसकी स्थापना, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नौवां क्वेश्चन है, किस देश ने मई 2023 में ACC मेन्स प्रीमियम कप जीता है? तो ACC मेन्स
प्रीमियम कप किसने जीता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, नेपाल। ठीक है ना, ये है मैप में नेपाल। ठीक है ना, नेपाल में मई 2023 में एसीसी मेंस प्रीमियम कप जीता है। नेपाल के पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई करते हुए एसीसी मेंस प्रीमियम कप जीता है। फाइनल में नेपाल में यूएई को हराया है। अब बात है नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है ना, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहाल। और करेंसी की बात करें तो नेपलीज रुपया है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने मई 2023 में किस पड़ोसी देश को AN-32 पुर्जे भेंट किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, श्रीलंका। ये है मैप में श्रीलंका। ठीक है ना, IAF प्रमुख VR चौधरी ने मई 2023 में श्रीलंका को AN-32 पुर्जे भेंट किए हैं। वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने मई 2023 में श्रीलंका द्वारा आयोजित विमान के संचालक के लिए श्रीलंका वायुसेना के कमांडर को AN-32 पुर्जे भेंट किए हैं। वह त्रिकोणमाली भी जाएंगे जहां भारत श्रीलंका मैत्री सभागार की आधारशिला रखेंगे। वायुसेना प्रमुख का दौरा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंध को मजबूत करने और क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास की दृष्टि से दिशा में चर्चा के लिए सुविधा के लिए अनुरूप है। तो ठीक है ना, आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी व हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।